है स्टार्टअप परफॉर्मेंस एफ हिस्ट्री फिर उसके बाद स्टार्टअप स्टार्टअप पर क्लिक कीजिए क्या होता है दोस्तों बहुत सारे ऐप है जो फिजुल फिजुल बैकग्राउंड में ओपन होकर चलते रहता है और सब कुछ जिसका कुछ काम नहीं है उसको चालू रखने से क्या फ़ायदा उसको अपन को बंद करना है तो उसके लिए क्या है इनेबल डिसेबल ऑप्शन दिया हुआ है आपको लगता जो जो है कुछ काम आएगा तो उसे इनेबल रखिए और जहाँ आपको लगता है उसे डिसेबल कर दीजिए जो यूज़ नहीं है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज उसका कुछ काम नहीं है उसको डिसेबल कर दीजिए ऐसी देखिए आपको जो जो समझ में आएगा आप उसको बंद कर सकते हैं यहाँ से तो बैकग्राउंड में वो एप चलना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डाटा कम यूज़ होगा इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में हमें ओपन करना पड़ेगा सर्विस फिर से जैसे सर्विस को ओपन करेंगे असल लिस्ट आएगा आप यहाँ पर सर्च कीजिए अपडेट एक मिनट मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको विंडोज़ अपडेट ये देखिए नीचे में है विंडोज आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए हाँ ये मिल गया है विंडोज़ अपडेट इसमें देखो इसको स्टॉप करना है पहले फिर प्रॉपर्टीज में जाना है उसके बाद जो इसको दिया है ना स्टार्टअप उसको हमेशा डिसेबल रखना है इसका मतलब ये है, है कि अपडेट नहीं लेगा अगर विंडोज़ अपडेट नहीं लेगा तो डाटा की बचत होगी उसके नीचे देखना और एक विंडोज अपडेट है उसे भी ऑफ कर देना उसको भी डिसेबल कर देना है दोस्तों इसके बाद यह फाइनल ट्रिक है इसमें आप सेटिंग में जाइए सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ देखिए अपडेट एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है फिर से वहीं जाइए इसमें आप देखेंगे डिलीवरी ऑप्टमाइजेशन उसे क्लिक कीजिए जैसे ही उसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ देखिए अलाउ डाउनलोड फॉर अदर पीसी उसे ऑफ़ करना है आपका अगर ऑन होगा तो उसको ऑफ कर देना दोस्तों ये सब सेटिंग करने के बाद आप एक बार पीश, अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना उसके बाद देखना आपको थोड़ा चेंजेस आएगा डाटा बहुत कम यूज़ होगा और दिन भर आपका चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं करेगा तब भी कुछ परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना मैं उसे जल्द से जल्द उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा ठीक है दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए